सरकारी कर्मचारी द्वारा युवक को किया जा रहा प्रताड़ित। जी हां, खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां काली प्रसाद नाम के युवक के द्वारा सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी काली प्रसाद बैंक में नौकरी करता है और साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान किराए से उठाता है। इस संबंध में पीड़ित प्रदीप कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह समय पर किराया देता है, लेकिन इसके बावजूद भी काली प्रसाद द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, उसके परिवार को भी वह प्रताड़ित करता रहता है। पीड़ित प्रदीप कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि काली प्रसाद झुग्गी झोपड़ी में चोरी से बिजली की सप्लाई कराता है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राजधानी लखनऊ से संवाददाता युवराज गौतम की रिपोर्ट। प्रियंका, प्रियंका कौन सा थाना लगता है आपका? ये अलीगंज। अलीगंज जी। क्या दिक्कत परेशानी हो रही यहां है? यहाँ पे सब लोग परेशान करते हैं, हमारा पाइप वाइप खींच लिए हैं। अच्छा। पर्दा वर्दा सब नोच दिए, मारने की धमकी दे रहे हैं यहाँ पर। तो पुलिस को तुमको पुलिस को कम्प्लेन किए तो कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं। अच्छा, तो किस किस एजेंडे को लेके मारपीट होती है? ये बगल में ये रहती हैं, ये लोग भड़काते हैं इनको। अच्छा। मारने के लिए। अच्छा। और यही लोग सर ये इतना परेशान करके रख दिया, रहना मुश्किल किए हैं। कल से हमारा पानी वानी नहीं भरा गया है, घर में खाना वाना कुछ नहीं बना है। अच्छा। ऐसे ही हम लोग घर पे हैं कल से। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? कहिए ये सख्त से सख्त इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा। क्योंकि ये लोग बहुत परेशान किए रखे हैं यहाँ पर। जमीनी विवाद था उसका, क्या मामला? जमीनी विवाद, ये यहाँ पे कह रहे यहाँ से हटो, यहाँ से तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे। तो ये जमीन किससे ली गई? ये काली प्रसाद से ली गई थी। अच्छा। ये उन्हीं की थी, तो उन्होंने कहा कि पैसे अपना दे देना, इसी में रहना आराम से। तो हमने जब पैसे दे दिए, अब कह रहे यहाँ से खाली करो। अच्छा। यहाँ पर नहीं रहना है। ये कितने पैसे लिए थे? ये 36,000 लिए हैं। 36,000? हाँ। अच्छा। हाँ, 36,000 के बाद जो है उसके बाद कह रहे अब खाली करो, पैसे भी हमारे वापस नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कि पैसे तुम्हारे नहीं देंगे हम वापस। कितने दिन आपने पैसे दिया है? 18 महीने। 18 महीने कितना हो गया था? 2,000 रुपये महीने दिए। 2,000 रुपये महीने जी। तो नगद देती थी कि कोई कैश देते थे? कोई लिखा पढ़ी नहीं? लिखा पढ़ी है, पर्ची में लिखा पर्ची है। हाँ। जमीन कैसी है, सरकारी है कि प्राइवेट है? ये सरकारी है। सरकारी जमीन। पैसा क्यों दिया? ये पैसे मांग रहे थे हमसे, पैसे लिए गए हैं। अच्छा। कि तुमने पैसे दे दो हमको और उसके बाद यहाँ पर रहो तुम लोग। अच्छा। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग। कुछ लोग का कहना है यहाँ के निवासियों कि पैसे नहीं लिए गए। पैसे दिए गए हैं, हमने दिया है, हमारे हस्बैंड थे साथ में, ये हमारी ननद है। अच्छा। हमने पैसे दिए हैं, ये लेते थे प्रदीप कुमार पैसे लेते थे। अच्छा। और 3 महीने से काली प्रसाद पैसे लेते थे। प्रदीप कुमार कौन थे? नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मोहिनी है। मोहिनी, कल लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या था, क्या मुद्दे को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ इनके घर, एक लोग बीमार थे। हाँ। और भैया भाभी थे नहीं। हाँ। हम बजा रहे थे डग, और उसके बाद ये लोग कहे हम बंद भी कर दिए। उसके बाद हमारे मोहरे पे लड़ाई करने आ गई, हमारी भैया है तो भैया से कह रही हमारी इज्जत लूटिए। हाँ। लूट लिया, तुरंत वहाँ पुलिस के कैश कर दिए और कह रहे थे इज्जत हमारी लूटिए, लिए फंसा दिए, फंसा देंगे इनको, जेल करा देंगे। अच्छा। तो ये जमीन का क्या मुद्दा है? जमीन को लेके बता रहे हैं कि लड़ाई दंगा हुआ। जमीन ये सरकारी है सर। अच्छा, सरकारी है। हाँ। तो उसका पैसा भी दिया गया था बता रहे हैं जी। कौन लोगों ने दिया? भैया ने दिए है। अच्छा। भैया आप आ जाइए। तो भैया ने किसको पैसे दिए? प्रदीप। अच्छा। आ जाओ। विजय कुमार जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है, कल थाने में चौकी में आप लोगों को बुलवाया जा रहा था, और इस जमीन पे कब से रह रहे हैं पहले ये बताइए? हमको 18 महीने हो गए। 18 महीने। तो क्यों आपको भगाया जा रहा है? भगाया यूँ जा रहा है कि मतलब अभी लोग कहते हैं कि इनको मारो पीटो तो यहीं से भाग जाएंगे। अच्छा। हाँ, यही रीजन है, और कोई बात नहीं थी यहाँ पर। अच्छा। और कोई लड़ाई झगड़े की ये निवाद बनाई गई थी, ठीक, बाकी कोई झगड़ा रहे हैं। जमीन जो है पैसे दे के आपने खरीदी? देखो, हमसे कहा गया था, देखो हम प्रदीप थे, हमारी उनकी यही बात हुई थी कि वो काली प्रसाद मामा बेच रहे हैं,
तुम 35,000 रुपया इकट्ठा करो, ले लो, ना हो तो थोड़े थोड़े के दे दो। इस बात पे हमने यहाँ रहने आए थे, हम तो उस तरफ रह रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो कितना कितना पैसा आपने दिया? हम 18 महीने तक दे चुके हैं। 18 महीने तक 2,000 रुपए? हाँ, हम दे चुके हैं। अच्छा, 2,000 महीने देते थे? हाँ, कोई सबूत है उनके? हाँ, हमारे पास लिखित में है जितने जितने बार दिए। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी जी से? यही कहेंगे, आप जो कोई कार्यवाही करते हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, जो को जैसे हम गलती करें तो हमको सजा मिले, जो को गलत करे उसको सजा तो मिलनी चाहिए। पुलिस, पुलिस, पुलिस किस तरीके से सहयोग कर रही है? कुछ नहीं, हम 5 बार गए थे तो 1 बार नहीं आई। ये लोग गए थे तो कल आई थी। अच्छा। हाँ, हमारे कहने पे नहीं आई। अच्छा। हम कई 5 बार जा चुके हैं। अच्छा। एक बार भी हमारे कहने पे नहीं, हमारे पर फोन किया। तो अप्लीकेशन आपने थाने में दी थी? हम सब कहीं दे आए, हम आए कोई बचा नहीं लखनऊ जी, जहाँ पे हम दिया ना। अच्छा, सब तन दे। हाँ, सब कहीं दे। मुख्यमंत्री को देते अप्लीकेशन? ऑनलाइन देते? हाँ, ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी को भी दे चुके हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी दे चुके? हाँ, दे चुके, हम सब दे चुके हैं। तब भी कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो यही कार्रवाई करना चाहते हैं कि मतलब ये पाइप जो पुलिस वाले ने कहा था कि रहो जा करके, तब ये पर्दा, ये पानी, ये सब बवाल मचाने से क्या फायदा? अच्छा, बताओ, छोटी बच्ची है, पानी कहाँ भरने जाए, बताओ। तो कौन लोग हैं जिनको पैसा दिया? प्रदीप काली। अच्छा, जमीन हम काली प्रसाद। कौन है? काली प्रसाद ड्यूटी गए हैं। अच्छा, और इसका क्या कहते हैं कि ये किराया पर दिया, इनका किराया दिया है। अच्छा, किराए पे दिए? किराए पर दिया। तो ये पता होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति जो है किराए पे देना कानूनन अपराध है। वो बनवाइन ना है ना? अच्छा, बनवाइन थी। बनवाने के बाद जो है ये चले गए, ये बुढ़िया बीमार है, हमारा घर चले गए। अच्छा, इसीलिए इसका इनका इनकी इनके शागिर्द से ये सरकारी सरकारी संपत्ति पे जो है मकान बनवा के किराए पे दे रहे भैया। हम जितना बताए तीन बात है, फाजिल नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, लड़ाई विवाद सबसे पूछ रहे मोहल्ले भरे से नहीं। अच्छा, कोई मोहल्ले भरे से पूछ लीजिए कि इनसे पैसा के इनके किराया किराया कर लेते हैं। हाँ, जो 2,000 रुपए किराया कर लेते हैं महीने। हाँ, में हाँ। क्यों भैया 2,000 रुपए किराया कर लेते हैं? नहीं लेते हैं ये तो बता रहे हैं चाचा, किराए पे लेते 2,000 रुपए महीने। किराया नहीं लेते भैया। हाँ। ये सब झूठ। पहले कितना लेते थे? पहले कितना लेते थे? पहले 2,000 लेते थे। पहले 2,000 रुपए लेते थे। काली प्रसाद कौन है? वो मामा है। अच्छा, मामा है आपके। हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा राहुल नाम है। अच्छा, राहुल नाम है। तो चाचा ये बता रहे पहले लेते थे 2,000? सुनो भैया, पैसा लगाया, बनवाया बनवाया। अच्छा, इनके लगा। बताइए बनवाया? हाँ, ये बनवाने के बाद ये कहाँ पे कानून में लिखा है? नहीं नहीं, ये सरकारी संपत्ति। बात तो सुनोगे सर, इनकी लड़की होने वाली थी, उधर किराए पे रह रहे थे झोपड़ी में, वहाँ ये किराया देते थे। ऐसी बात नहीं है किराया नहीं दे रहे थे, वहाँ भी दे रहे थे, वहाँ कब्जा जनाते, तो हम लोग ये सोचते चलो वहाँ पे जमाया, इनको यहाँ रख दिया हमारा हस्बैंड ने, एक मामा की मड़ैया थी। 2,000 रुपए महीने में पैसे हमने नहीं लिया जी, यहाँ के तो लोग सब लोग बता नहीं रहे हैं। पैसे हमारे हाथ में नहीं आया, पैसे हमारे हाथ में काली प्रसाद ने लिया। वो लिए हो या ना लिए उनसे पूछा जाए, बूढ़े ये बुढ़ी रहती थी। कितना पैसा लिए हैं? कितना लिए काली प्रसाद? तुम्हारा कौन है? लड़का है। तो कह 1,000 महीना लेते थे? हाँ भैया, भैया जौन दिन कौन नहीं ले, नहीं 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 ले। अच्छा, 2,000 रुपए का आरोप लगा रहे हैं कि 2,000 ऐसा झूठ मूठ का। अच्छा, झूठ बोल तो सब लोग यहाँ के निवासी लोग बोल रहे हैं। कुछ नहीं, बूढ़ा नहीं। चलो कट कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो है 18 महीने 2,000 रुपए महीने लेके जमीन जो है जीएस की जमीन, ग्राम समाज की जमीन, किस चीज के पैसे आपने लिया जमीन? सर कोई मैंने पैसा नहीं लिया इनसे। आ? मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया सर। अच्छा, सब झूठ बोल रहे हैं सर। इन्होंने ऐसा ऐसा केस लगाया मेरे ऊपर कि सर जो है मैं बताने लायक नहीं रहूंगा। अच्छा, ये ऐसे ऐसे केस लगाए हैं हमारे ऊपर सर, ऐसा ऐसा जो है मतलब मैं मौके बता नहीं। इन्होंने बगल से जो है झगड़ा किया बगल मोहल्ले में, और इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने 35,000 रुपए मुझसे लिया है और इनसे मैंने जमीन खरीदी है। सर गवर्नमेंट की जगह मैं सर कैसे बेच सकता हूँ इस चीज के लिए? विवाद तो का है, विवाद यही जमीन के लिए है। तो जमीन के लिए पैसे का है? नहीं, पैसे का नहीं, कोई पैसा मैंने नहीं दिया था। इन्होंने हाथ पैर जोड़ करके कहा कि हमको रहने दो, ठीक, जो पैसा बताओगे, एक मिनट, जो पैसा बताओगे मैं हर मंथली देता रहूंगा, ठीक है, बता रहे 2,000 रुपए महीने, ठीक। हाँ, तो उन्होंने ये चीज कहा कि भैया हमको किसी भी तरीके रख लीजिए। उनके पास सबूत भी है बता रहे हैं? उनके पास सर कोई सबूत नहीं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। अच्छा, ठीक है, मुझे फंसाया जा रहा हर तरीके से। अच्छा जी,
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है ये लोग जो है सरासर जो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये हमको फंसाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सर ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं भी जो है इतना तो जानकार हूँ कि जो है गवर्नमेंट की जगह आप कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस कंडीशन से आए थे ये लोग, इनको जो है मैंने बहुत गंभीरता हालत में देखता हुए इनको मैंने रख लिया, इसलिए रख लिया कि हमारे रिश्तेदार थे, हमारे घर के थे, इसलिए इनको रख लिया मैंने अपने। विवाद इसीलिए ये लोग हमारे खिलाफ हो गए, विवाद इसी चीज का हो रहा है। तो जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन ग्राम जमीन सरकारी संपत्ति है जी जी, उसको लेके किस चीज का रोज थाना पुलिस और ये सब? नहीं नहीं सर, मेरे तरफ से कोई थाना पुलिस नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, पाइप भी पीछे से कुछ नहीं, कोई पाइप भी दी गई पानी की सर, बता रहे कुछ नहीं हुआ है। बस ये है कि लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। मैंने यही चौकी इंचार्ज से भी निकल चौकी इंचार्ज दरोगा साहब से मैंने बोल दिया, सर मेरा कोई मतलब नहीं है, अब ये लोग जो है अपने बेईमानी के उतर आए हुए हैं, तो ये ले लेंगे जगह ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है मानना यही है कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सरकार की संपत्ति है, अगर विवाद करोगे तो सबका बाबा का बोल रहे हैं मेरा, हाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकारी गवर्नमेंट की जगह है वो सबका अधिकार है, मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ, क्यों बेचूंगा जमीन में, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है बेचने का जमीन। क्या आप वो कहना चाहते हैं कि जांच हो, जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा हो? बिल्कुल, और क्या सर, अच्छा। इस चीज की इंक्वायरी होना चाहिए, और हाँ, और मेरे तरफ से कोई एप्लीकेशन मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया है, अच्छा। जी हाँ, मैं तो यही सोचता था कि जो है आराम से रहेंगे, ठीक रहेंगे, लेकिन ये लोग जो है बवाल करना चाहते हैं। अपने सफाई में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने सफाई में यही कहना चाहता हूँ कि मैं सर मैं कोई हमारे तरफ से कोई गलती नहीं आ रही है, ठीक है। ये लोग जो है सरासर बेवकूफ बनाना चाहते हैं, गलत बता रहे हैं कि ये मियाँ बीबी जो है गलत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं मेरे तरफ से कोई मतलब नहीं है वो।